इसके बाद अगला जो प्राइस सीरीज है वो है 15 से 20 हज़ार रुपये। और 15 से 20 हज़ार के अंदर जो फोन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, वो पहला फोन जो यहाँ पे मैंने रखा है वो है मोटो एम। लेकिन अगेन मोटो एम के बारे में मैं पूरी तरह से आपको नहीं कह सकता, आप कंसिडर कर सकते हैं 15 से 20 के अंदर। लेकिन रिव्यूज जो मोटो एम के अभी तक आए हैं, इनिशियल रिव्यूज जो और लोगों ने किए हैं, हमारे फ्रेंड्स ने किए हैं, उन्होंने बताया कि कैमरा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मोटो एम के अंदर आपको कैमरा का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मीडियाटेक का हार्डवेयर मिलेगा और साथ ही साथ लुक एंड फील जो है मोटो एम की वो बहुत बढ़िया है। तो प्राइस के हिसाब से लुक एंड फील बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है। और कैमरा में तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसा कि हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं मोटो एम के। अगला फोन जो है यहाँ पे वो है 15 से 20 हज़ार के अंदर लिनोवो Z2 Plus, जो कि बढ़िया फोन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है फोन के अंदर, और ये फोन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत अच्छा हार्डवेयर मिलता है आपको इसमें, बस एक बात है इस फोन की, ये थोड़ा सा थिक है, बल्कि फोन है। लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आपको एक सुंदर लगने वाला फोन चाहिए तो ये डेफिनेटली इतना सुंदर लगने वाला फोन नहीं है, लेकिन हाँ ये पावर यूजर्स और गेमर्स के लिए ये फोन बना है। तो आप अगर पावर यूजर या गेमर हैं तो आप डेफिनेटली लिनोवो Z2 प्लस कंसिडर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हार्डवेयर इसमें स्नैपड्रैगन 820 मिल जाता है बहुत कम प्राइस पे। एक और फोन जो यहाँ पे 15 से 20 हज़ार के अंदर है, क्योंकि नॉर्मली जो भी लोग 15 से 20 हज़ार के अंदर फोन लेते हैं वो पावर यूजर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है OnePlus 2 का। तो OnePlus 2 आप कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छा फोन है OnePlus 2, जो कि अभी भी मार्केट में है और 20 हज़ार के अंदर आपको मिल जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है इस फोन के अंदर। कैमरा में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज मिलता है, लेकिन अगेन मेरे हिसाब से कैमरा इतना बुरा नहीं है कि मैं इसको लिस्ट से निकाल दूं, और OnePlus 2 एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रायोरिटी वाइज लिफ्ट करूं 15 से 20 हज़ार के अंदर, तो लिनोवो Z2 Plus सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका OnePlus 2, उसके बाद आएगा मोटो एम या फिर मोटो G4 Plus, अगर आप इन दोनों में से कोई एक फोन कंसिडर करते हैं। तो अगली सीरीज है 25 हज़ार रुपये की, और 25 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में जो जो फोन्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 3 फोन्स हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो कि बेस्ट फोन्स हैं इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि 20 हज़ार से 25 हज़ार तक जाता है। और इसमें पहला बेस्ट फोन जो है वो है मोटो जेड प्ले, जिसको आप आंख बंद करके ले सकते हैं, बहुत बढ़िया कैमरा है, मॉड्यूलर स्मार्टफोन है, और काफ़ी अच्छा इसका लुक एंड फील भी है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और इसके फ्रंट में आपको बढ़िया ग्लास मिलता है, स्ट्रेंथन ग्लास मिलता है, पीछे की तरफ भी ग्लास मिलता है, और ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी भी इस फोन में आपको बड़ी मिलती है। तो सब कुछ अच्छा है इस फोन में मोटो जेड प्ले में, जो कि 25 हज़ार के अंदर आता है, और मोटोरोला का है तो आपको आफ्टर सेल सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। अगला फोन जो है 25 हज़ार के अंदर कह लीजिए या फिर थोड़ा 20 हज़ार के आसपास कह लीजिए, लेकिन हाँ मैंने इसको रखा है मोटो जेड प्ले के साथ, क्योंकि ये फोन अच्छा फोन है, और इसका नाम है Xiaomi Mi 5। तो Xiaomi Mi 5 का कैमरा डेफिनेटली बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया फोटोज जो है Xiaomi Mi 5 से आ जाते हैं, आप Xiaomi Mi 5 को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा डिस्प्ले नहीं चाहिए और एक अच्छा वन हैंड यूसेज वाला फ़ोन चाहिए, तो ऐसे में आप Xiaomi Mi 5 को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अगेन 25 हज़ार का लॉन्च हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी 18 से 22 हज़ार के बीच में मिल रहा है, डिपेंडिंग कि क्या डील आपको मिलती है। एक और फोन जो है यहाँ पे 25 हज़ार के अंदर जो आ जाता है वो है Asus का Zenfone 3। तो Zenfone 3 वैसे तो थोड़ा महंगा लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तकरीबन 22 हज़ार रुपये के आसपास Zenfone 3 आपको मिल जाएगा, और Zenfone 3 भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि Snapdragon 625 के साथ आता है। अब बात यह है कि जो 25 हज़ार वाले फ़ोन है उसमें आपको Snapdragon 625 मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया हार्डवेयर है, और इसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है गेमिंग वगैरह के हिसाब से, और ओवरऑल डे टू डे यूसेज में इस हार्डवेयर में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे Snapdragon 617 से, तो 617 का अपग्रेडेड वर्जन है Snapdragon 625, जो कि डेफिनेटली 25 हज़ार में आपको मिल जाता है। तो तकरीबन 20 से शुरू होती है रेंज, और 22 से 23 हज़ार अगर आप खर्च करेंगे तो आपको Asus Zenfone 3 Max जो है मिल जाएगा। एक और फोन जो है इस प्राइस सेगमेंट में आता है वो है LaEco का La Max 2, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि उसमें बहुत बढ़िया हार्डवेयर मिलता है, लेकिन उस फोन का फीडबैक जो है हमारे पास थोड़ा अच्छा नहीं आया है, और ऐसे में हम उसको अभी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको LaEco के फोन अच्छे लगते हैं तो डे टू डे यूसेज में अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और आप La Max 2 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट 3 फोन ऑप्शन जो रहेंगे वो पहला रहेगा मोटो जेड प्ले, दूसरा रहेगा Asus Zenfone 3, और तीसरा रहेगा Xiaomi का Mi 5। इसके बाद है 30 हज़ार रुपये वाला प्राइस सेगमेंट। 30 हज़ार रुपये वाला प्राइस सेगमेंट
बिल्कुल प्रीमियम प्राइस सेगमेंट है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने ही नहीं चाहिए। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन लेना है और या फिर आईफोन भी लेना है, तो ऐसे में आप 30,000 के अंदर दोनों ही चीज़ जो है पा सकते हैं। और पहला ऑप्शन जो है 30,000 के अंदर सबसे बढ़िया ऑप्शन, जो कि बिल्कुल ग्रेट वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल टेस्टेड चीज़ है, और वो है OnePlus 3। तो OnePlus 3 तकरीबन 28,000 रुपये में आ जाता है। अभी तो 20,000 में भी, तकरीबन 19,000 में भी मिल गया था फ्लिपकार्ट, लेकिन अब वो नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में 28,000 रुपये में OnePlus 3 आप डेफिनेट ले सकते हैं आंख बंद करके, बढ़िया फोन है। थोड़ा सा बैटरी का दिक्कत हो सकता है, एक दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा, और कैमरा ठीक है मेरे हिसाब से। फ्रंट कैमरा थोड़ा इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं था OnePlus 3 का, लेकिन OnePlus 3T में फ्रंट कैमरा बेहतर हो गया है। हालांकि कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले थे OnePlus 3T में, जिसमें कैमरा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन अपडेट के बाद वो चीज़ फिक्स हो गई है। तो OnePlus 3T भी एक ऑप्शन है जो कि 30,000 के अंदर आता है। 30,000 के अंदर OnePlus 3T आप ले सकते हैं, तो अगर आपको बेहतर बैटरी चाहिए, लेकिन अगर आपको 2,000 रुपये सेव करने हैं, तो OnePlus 3 आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको आईफोन चाहिए 30,000 रुपये में, तो मिलता है आपको एप्पल iPhone 6, जो कि थोड़ा पुराना आईफोन है, लेकिन आप आईफोन ले सकते हैं। और iPhone 6 कोई दिक्कत नहीं है डे टू डे यूजेज में, अनलेस कि आप उसे अपडेट नहीं करते जाएं, और अभी वो फ़ोन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो UI उसमें आएगा, जो iOS का वर्जन आएगा, वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, रिस्पॉन्सिव चलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको आईफोन का iOS एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली आप एप्पल iPhone 6 जो है कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 30,000 रुपये में आ जाएगा। इसके बाद जो एक और फ़ोन आया है इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि बहुत ही बढ़िया फ़ोन है मेरे हिसाब से, जिसमें आपको एक ऐसी चीज़ मिलती है जो कि किसी भी और फ़ोन में नहीं मिलती है, और वो है एज लिफ्ट डिस्प्ले, यानी कि बेजललेस फोन। बेजललेस फोन है बिल्कुल, जो ZTE की तरफ से है और अभी लॉन्च हुआ था। 30,000 रुपये का ये फोन है, 29,999 इसकी प्राइस है, और 30,000 रुपये में आपको मिलता है ZTE Z11। इसका कैमरा इतना बढ़िया है कि आप इसे OnePlus 3 या OnePlus 3T से कंपेयर कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, UI भी रिस्पॉन्सिव है, बिल्ड क्वालिटी फोन की बढ़िया है, और इसके अंदर आपको बेजललेस डिस्प्ले मिलता है, यानी कि एज पे आपको ब्लैक दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा एज टू एज वाला डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया इस फोन को बना देता है मेरे हिसाब से। लुक एंड फील में फोन बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी में बढ़िया है, और ZTE की तरफ से है। हालांकि ये नया ऑप्शन है, ZTE इतना एग्रेसिव इंडिया में कभी हुआ नहीं था, इतना अच्छा फोन इतनी सही प्राइस पे कभी दिया नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये एक नई चीज़ है सब लोगों के लिए, और समय के साथ हमें पता चलेगा कि ये फोन कैसा है, इसका रिव्यू भी हम करेंगे। इसके बाद एक और फोन है जो इस लिस्ट में है, जो थोड़ा नीचे आ जाता है, और वो है Honor 8। तो Honor 8 भी तकरीबन 30,000 के अंदर आ जाता है। मैं कह सकता हूँ कि Honor 8 की जो अच्छी बात हमें लगी है, वो है इसका कैमरा। तो Honor 8 का डुअल कैमरा बहुत अच्छी फोटोज लेता है, और साथ साथ Honor 8 की लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी सब बढ़िया है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन Honor 8 रहेगा यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे इस 30,000 रुपये की प्राइस लिस्ट में। तो देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है, कंफ्यूजिंग भी है ये, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना देखना पड़े। तो आप खुद देख सकते हैं अपने प्राइस रेंज के हिसाब से कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।